अगर कोई कहे मेरा पिता जिसने मेरे शरीर को जन्म दिया, अगर उसको कहा जाए सारे तेरे पिता है, तो क्या हम सुनने को तैयार है? गुस्सा आ जाता है ना, उनका मुंह हम हनुमान जी के मुंह बना देते हैं, आगे पीछे नहीं सोचते। जब शरीर को जन्म देने वाले पिता को सब में हम देख नहीं सकते, और छोड़िए हमारे शरीरधारी पिता जिसने शरीर छोड़ दिया अब नहीं है, उनके लिए अगर कोई कहता है तेरा पिता है ना गाय जैसा था, या तेरा पिता कुत्ते जैसा था, तो क्या हम सुनने के लिए तैयार है? नहीं सुनते हैं। जबकि गाय बहुत अच्छा है जिसकी पूजा हम करते, वो भी हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जब शरीर के पिता को भी हम सब प्राणियों में सब मनुष्यों में देख नहीं सकते, तो आत्मा के पिता जो परमात्मा है, जो पूरी दुनिया का पिता है, जिसके बारे में भी गीता कहती है पिता पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेवच, जो पूरी दुनिया का पिता है, पिता से लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान, जिसके लिए इतनी महिमा पिता के रूप में हम गाते हैं, वो भला सब में कैसे खो सकता है? और गीता इसी के लिए हमारे सामने प्रमाण है। भगवान बार बार कहता है सृजाम्यहम् संभवामि, आता हूं मैं, अवतरित होता हूं, आपन्नम अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, ऐसे शब्द का जो इस्तेमाल है, जैसे कि आज इस सभागृह में हम उपस्थित हैं, अब 7 बजे 7:30 बजे यह खुला सत्र संपन्न हो जाता है, तो हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं, कहते कल आएंगे, इसका मतलब हम यहाँ ही नहीं सोने वाले हैं। भगवान भी कह रहा है जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊँगा, इसका मतलब है वो यहाँ नहीं रहते, आते हैं। तो ये जो भावनाएँ, इसका वास्तविक स्वरूप को और हम पहचानेंगे। गीता ज्ञानदाता सर्वशक्तिमान परम ज्योति स्वरूप निराकार परम पिता परमात्मा एक ही है। जब पिता परमात्मा को यथारत रूप से पहचान कर गीता पढ़ेंगे या गीता सुनेंगे, तब गीता को अपनाने की ताकत जो हमारे अंदर आएगी वो अनूह्य है। जब सभी को हमने पिता कह दिया, पिता हमस्य जगतः, सभी पिता बन गए, सभी पिता बन गए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के जगह में हमने क्या किया, यूनिवर्सल फादरहुड बना दिया। तो क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया, किधर जाना है, मेरे को कुछ समस्या है तो किन के पास जाना है, मैं भी फादर हूं, उन्होंने भी फादर, ये भी फादर, वो भी फादर, सभी फादर है। और दूसरा विषय है कि परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, परमात्मा को दिव्य गुणों का सागर कहा, सर्वशक्तिमान कहा। अभी 10वां अध्याय विभूति योग में 81 विभूतियां दिया है, असुरों में मैं प्रहलाद हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, ऐसा तो नहीं कहा इसमें मैं असुर हूं, ऐसा नहीं कहा। तो भगवान को महिमा ही है, दिव्य गुणों का सागर यह है। जब परमात्मा सर्वव्यापी होने से क्या होगा, दुनिया तो अच्छा होना चाहिए, आज का दुनिया ऐसा तो नहीं है, केवल सर्वव्यापी कहने से क्या फायदा है? जब मेरे में भगवान है या मेरे को मार्गदर्शन नहीं देता है, या कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को मर्डर कर रहा है तो उसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता, वो भगवान रह कर के भी फायदा क्या है? किसी को रोगी बन गया, भगवान को कहते वैद्यनाथंचा, क्या वैद्यनाथ में डॉक्टर अंदर बैठा है फिर भी मेरे को जाना पड़ेगा दूसरा डॉक्टर के पास, तो ये पूरा आ जाता, मैं किसके लिए पूजा करता हूँ। कई बातें बहुत स्पष्ट रीति से परमात्मा ने स्पष्ट किया है। तो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, सर्व मनुष्य आत्माओं का एक ही पिता है, और परमात्मा निराकार, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। आपको हम यह खुशखबरी देते हैं, स्वयं निराकार परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप इस धरा पर आकर डायरेक्ट गीता ज्ञान हमको सुना रहा है, और विकारों पर जीत पाने की युक्ति सिखा रहा है, जिसका मैनुअल द्वापर युग में लिखा गया। भगवान ने जो बात कही है उस बात को हम लोग जीवन में नहीं उतारते, जीवन में उतारते तो जीवन में उतरती नहीं है, उतरती तो टिकती नहीं है। उसका कारण क्या है, जहां तक अनुसंधान किया उससे पता लगता है कि उसका प्रमुख कारण है कि हमारी आहार शुद्धि नहीं है।